दोस्तों आज की क्लास में हम लोग याद करने वाले फेमस बुक्स एंड ऑथर 2022-23 की जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो सारे कुछ हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। आप में से कमेंट आया था कि भाई इसमें एक क्लास आनी चाहिए, तो जैसे ही मुझे समय मिला मैं आपको एक क्लास लेकर आ गए बेहतरीन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास को आप लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। और ये PDF डाउनलोड करना चाहते तो कमेंट करके बताइए, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों नंबर एक पर है विक्ट्री सिटी। देखिए हम डिटेल में बात नहीं करने वाले क्योंकि दोस्तों हम इस डिटेल में बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी और आप लंबी क्लास देखते नहीं, तो डायरेक्ट हम केवल याद ही करेंगे पुस्तक को। ओके, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है, आप याद रखें कैसे। देखिए बिल्कुल सा सिंपल सा मैथड मैं बताता हूँ जो कि शब्द में ही रहता है। आपको यहाँ से याद करना है विक्ट्री, मतलब विक्ट्री बोले तो जीत, और जिस व्यक्ति की जीत होती है सिटी में हो या टाउन में हो या गांव में, जिस व्यक्ति का माहौल होता है विक्ट्री होती है जीत होती है, तो हर लोग उसको सलमान सलाम करते हैं भाई, और उससे कभी रूठते नहीं, अगर रूठते हैं तो कभी जताते भी नहीं है। ठीक है, तो भैया सलाम करते हैं हर लोग किसको, जो हमेशा विजेता होता है। तो ठीक है, जिसके पास पावर होती है विजेता होता है, उसको कोई सलाम, हर कोई सलाम करता है। तो ये आपको याद हुआ विक्ट्री फॉर सलाम सलमान। ओके, आगे बात करते हैं द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, बोले तो मेघनाथ देसाई इसके लेखक हैं, याद रखेंगे इसे। देखिए द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल मतलब पावर्टी को आप यहाँ पकड़े, गरीबी पावर्टी, और पावर्टी बोले तो हमारे देश में अगर बात किया जाए तो अब तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पावर्टी की भाई कोई सीमा ही नहीं थी, तो यहाँ पर देश आई देश में हमारे पावर्टी बहुत ही ज़्यादा थी। ओके, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और उस समय मेघ भी साथ नहीं देते थे भैया, आप 69-70 की अगर कल्पना करेंगे तो मेघ मतलब बारिश भी नहीं हो रही, तो भुखमरी हो गई थी, सूखा पड़ गया था अपने देश में, तो पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा आ गई थी। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कल मतलब हर किसी तरह से पॉवर्टी हमारे देश में थी, देसाई फोरे तो देश और मेघ भी साथ नहीं दे रहे थे। ओके, याद हो दोस्तों, कभी आप भूलेंगे ना। और आपसे मैं एक लास्ट में क्वेश्चन भी करूँगा जिसका कमेंट आपको करना ही चाहिएगा। ठीक है, मतलब आंसर। ओके, देखिए अगला क्या है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इसके लेखक दोस्तों हैं अश्विनी फर्नांडीज। अब देखिए इसके जो कि लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये लॉन्च होती है पुस्तक। ठीक है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, अश्विनी फर्नांडीज इसकी लेखक है दोस्तों, याद रखें कैसे। देखिए इंडियाज नॉलेज मतलब नॉलेज अगर आपके पास है तो आप हर किसी को फाड़ सकते हैं, हर किसी मंच पर हर किसी प्लेस पर फाड़ कर रख देंगे, फर्नांडीज फाड़ कर रख देंगे। ठीक है, और बोले तो यार यहाँ शब्द आता है न्यू डॉन, इस तरह डॉन भी होता है, जो डॉन होता है वो भी फाड़ कर रख देता है। अश्विनी जिसके पास नॉलेज होती है वो किसी की सुनता भी नहीं, डॉन हो या फिर नॉलेज। ठीक है, यहाँ डॉन से भी याद कर सकते हैं, जो डॉन होता है वो भी किसी की सुनता नहीं है और फाड़ कर रख देता है। ठीक है, तो अश्विनी फर्नांडीज आपको याद आ चुका। ओके, अगला बात करते हैं कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, तो बोल रहे हैं कि भैया आर कौशिक प्लस आर श्रीधर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ओके, याद रखें कैसे, देखिए सिंपल सा है बिल्कुल भाई, क्रिकेट हर किसी का पसंदीदा गेम है, तो बोले तो इसको आप याद करते कि क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में बार बार कोशिश करना पड़ता है, मतलब कोशिश तो हर फील्ड में करना पड़ता है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही दिन रात एक करना पड़ता है, बार बार आर बार बार कोशिश करना पड़ता है, और जैसे आप कोशिश करके परपक हो जाएंगे तो भाई धर आप धर धड़ाधर चौका छक्का मारने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्रिकेट टीम से याद आ जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं अगला दोस्तों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये वाली, देखिए कम लेट्स रन, जो कि एम सुब्रमण्यम जी की ये पुस्तक है, कम लेट्स रन, याद रखें कैसे। देखिए कम लेट्स रन बोलते कि आओ चलें और दौड़ें, तो ये हम प्रोसेस कब करते हैं, हम लोग कब टहलते हैं और दौड़ते हैं, आप बोलेंगे भैया हम तो एक्सरसाइज सुबह सुबह करते हैं और दौड़ते हैं, खुली हवा में जाते हैं सुबह सुबह, मतलब सुबह बोले तो सुब्रमण्यम आपको याद आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं कि कम लेट्स रन, चलो दौड़े, चलो आओ दौड़े भाई, लेकिन कब भाई, दोपहर में दौड़ोगे क्या, नहीं भाई, तो कब दौड़ोगे, सुबह सुबह। ठीक है, सुबह से सुब्रमण्यम आपको याद आ जाएगा, सिंपल है ना। आगे बात करते हो भैया रिवोल्यूशनरीज द स्टोरी
द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। बोले तो बोल रहा कि भैया फ्रीडम मतलब क्या है कि फ्रीडम कैसे मिली। फ्रीडम मिलनी चाहिए हर जीव को, संजीव हर जीव को फ्रीडम यार मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपको याद आ जाए कि हम किसी भी जीव जंतु को बांध कर नहीं रखना चाहिए, हर किसी जीव जंतु का उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। ओके, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, ठीक है, फ्रीडम फ्री हर किसी को करना चाहिए, संजीव जीव। और भाई इस तरह अगर याद ना, जैसे हमें ही फ्री होना है तो हमें सन्यास, जो सन्यासी होते हैं मुझे लगता है वो फ्री होते हैं, ठीक है, फ्रीडम फ्री होते हैं ये ताम झाम से दुनिया भर के, ठीक है। तो यहाँ से सन्यास सन्यासी हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। ओके, सिंपल है, बिल्कुल अच्छा है, याद रहेगा आपको। आगे दोस्तों बात करते हैं, देखिए ब्रेविंग ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, स्टॉर्म जानते हैं दोस्तों, इंडिया कोविड 19 वैक्सीन स्टोरी। तो जो भी भैया यहाँ पर वैक्सीन के बारे में बात होती है कि कोविड 19 कैसे हमारे ये पूरे तरीके से हम इस पर बेस्ड थे और इस सारे को सुधार, तो देखिए दोस्तों इसके जो लेखक है सूरज सुधीर प्लस आशीष चंदोरकर हैं, याद रखें कैसे, देखिए सूरज सुधीर बोले तो कोविड 19 एलर्जी किससे थी, तो बोलेंगे गर्मी से थी, जब भी ज़्यादा गर्मी आती थी तो भैया ये कोविड 19 एक्टिव हो जाता था, ठीक है। तो गर्मी कहाँ से आती है, तो अब बोलेंगे सूरज से, सूरज प्लस चंद्रमा दोनों साथ साथ हैं। ओके, देखिए सूरज यहाँ आता है, चंदोरकर चंद्रमा यहाँ आ जाता है, तो आपको याद ही रहेगा कि भैया सूरज रोशनी हमें कहाँ से मिलती है, एक तो सूरज से मिलती है, दूसरी चंद्रमा से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीज ये रोशनी देने का काम करते हैं, अर्थात गर्मी। आप बोले तो चंद्रमा खैर रात में है तो गर्मी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी सूरज जो होती है इससे गर्मी आती है, और यही गर्मी चंद्रमा ऑब्जर्व करता है और रात में चमकता है, इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक क्योंकि भाई पृथ्वी पार्ट है तो आधे में आधे नहीं, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि भाई सूरज चंद्रमा दोनों साथ साथ हैं और ये गर्मी देते हैं, और गर्मी के कारण कोविड 19 ही एक्टिव ज़्यादा होता था, ठीक है, पूरी स्टोरी बन गई, कभी भूलेंगे नहीं। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों, वैक्सीन स्टोरी आती है भाई, वैक्सीन की स्टोरी, वैक्सीन भी क्या होती है, हीट होती थी। ओके, तो सिंपल है, आगे बात करते हैं रोलर कोस्टर, इसमें दोस्तों तमाल बंदोपाध्याय, याद रखें कैसे, देखिए रोलर मतलब यार अगर लाइफ की बात करें इस धरती पर हर किसी का रोल है कि भाई वो तमाल माल को इकट्ठा करता है और बांध कर, मानो वो बांध कर ले जाने वाला है, इस तरह वो माल को इकट्ठा करता है, हर किसी का रोल यही है कि वो माल को इकट्ठा करे और बांध कर ले जाए। हर जगह हर दिशा पर आप यही देखेंगे, अधिकतर मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन जो मोस्टली भैया रोल हर व्यक्ति का यही है कि वो भाई माल को इकट्ठा करता है और मानो वो अपने साथ बंदोपाध्याय बांध कर ले जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं अंबेडकर, अंबेडकर अ लाइफ, अंबेडकर की लाइफ देखिए दोस्तों, शशि थरूर जी की ये पुस्तक है, इन्होंने लिखा है अंबेडकर ए लाइफ, याद रखेंगे इसलिए कि अम्बेडकर जी थे, इनका क्या रोल था और ये हमारे लिए क्या अधिकार देकर गए, सारे कुछ हम जानते हैं, तो इस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे। शशि मतलब यार जो महार हुआ करते थे पहले, जो दलित वर्ग के हुआ करते थे, उनके लिए एक क्या भगवान थे, ठीक है, कि भाई जो लोग शशि मतलब शशि बोले तो सिर अपना उठाकर ही कभी ना चल सकते थे, उनके लिए इन्होंने कितना किया और कितने उनके अधिकार दिलाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद आ जाए कि अम्बेडकर जी ने क्या किया, भैया शशि जो सर उठाकर ही नहीं चल पाते थे कभी, उनका ये अधिकार ही नहीं था, और भाई थरूर और उनको ऐसा पनिशमेंट देते थे, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग किसको, दलितों को, तो भाई की रूह कांप जाती थी, ऐसे ऐसे वहाँ पर पनिशमेंट, ऐसे ऐसी सजा उनको देते थे, ठीक है, दलितों को। लेकिन वहीं अम्बेडकर जी ने उनके हित के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके सिर उठाने वाला ऐसा कुछ उनका अधिकार दिखाया कि हर कोई समाज में अच्छे से जी रहा है और सब बराबर अधिकार है, ठीक है। इस तरह आपको याद आ जाए कि शशि थरूर, शशि मतलब सिर उठाकर आज वो चल सकते हैं गौरव से, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, और इसने ऐसा किसने किया भाई कौन, तो आप बोलेंगे अम्बेडकर जी ने, सारे कुछ अधिकार दिलाया, सिंपल है ना, बिल्कुल। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, देखिए बोलते आ दलित चीफ सेक्रेटरी, तो यहाँ से दलित शब्द आ गया ना, तो भाई यहाँ पर इनके जो लेखक है काकी माधव राव हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों अगर आप इसको याद करें कि यहाँ दलित शब्द आता, दलित फॉर मतलब यार ऐसे कि दलित मतलब महार, आपने सुना होगा, ठीक है, मूवी देखा होगा तो महार मतलब
ऐसे हुआ करते थे, उनका अधिकार नहीं था कि वो रोड में भी चल सके। उनके पीछे एक झाड़ू टाइप का बांधा रहता था कूचा कुछ, कि वो जहाँ से जाएं तो उनके पैर जो पैर बनते थे तो वो भी मिट जाएं, ऐसा कुछ माहौल हुआ करता था कि वो रास्ते से भी गुजर ना पाए और किसी के सामने भी ना आ सके। महार जो हुआ करते थे भैया, कितनी कष्टमय लाइफ थी भाई कि हद है। तो यहाँ से आपको दोनों कनेक्ट होगी, दलित महार फॉर माधव, ओके सिंपल है। या फिर दलित फॉर दाल आप कनेक्ट कर लीजिए, और काकी की भैया हमारे घर में दाल खराब हो ख़त्म हो गई थी तो हमने काकी से बोला कि भाई बना दो, या फिर मांग लिया, इस तरह भी हम कह सकते हैं काकी ने दाल बनाया। ओके सिंपल है, दोनों तरीके से याद रहेगा। अब बात करते दोस्तों, देखिए ज़्यादा पुस्तक है नहीं, जो भी महत्वपूर्ण थी वही मैंने लिया। ओके आगे दोस्तों बात करते हैं, फोर्क्स इन द रोड माई डेज इट आर बी आई एंड बियॉन्ड, सी रंगराजन जी इसके लेखक हैं। तो बहुत ही सिंपल पुस्तक है कि रंगराजन जी थे जो 19वें गवर्नर थे हमारे भारत के 13 से 16 के बीच में। तो भाई इन्होंने अपना एक्सपीरियंस पुस्तक में लिखा कि मेरे डेज मेरा दिन आरबीआई में एक गवर्नर के रूप में कैसा व्यतीत हुआ और मैंने क्या किया, ये सारे कुछ इसमें है। ठीक है तो यहाँ से याद हो गया आपको। ठीक है तो रंगराजन मतलब यार याद करें पार्टिकुलर, तो देखिए रंग जो गवर्नर हुआ करते थे भैया, क्या हुआ कि मतलब नोट में कि रंग कैसा होगा क्या होगा, कलरफुल रंग राजा रंग, वो बिरंगी नोटों को क्या हैंडल करते थे, बनाते थे पूरी तरीके से, अपने इनकी पावर रहता था, इस तरह आप समझ सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, ओनली ट्रिक होगी। अगला दोस्तों क्या, द लाइट वे कैरी मिशेल ओबामा जी की पुस्तक, याद रखेंगे। देख लाइट वे कैरी, देखिए जब भी लाइट नहीं पहले हुआ करते थे तो क्या किया करते थे लोग, मिसेल फॉर मिसाल लिया करते थे भाई, मिसाल कैरी करके अपने साथ चला करते। मान लीजिए कहीं पानी लगाना है या कहीं जाना है, कहीं दूर बहुत जाना, तो क्या करते थे, कहीं गुफा में जाना तो मिसाल लेकर कैरी करके जाते थे लाइट के लिए। ठीक है मिसाल किस लिए आती भैया, लाइट के लिए आती है, कैरी इसलिए करते थे मिसेल मिसाल। ओके सिंपल याद रहेगा कि लाइट के लिए भैया मिसाल लेते थे लोग। ओके बात करते दोस्तों अगला, जो कि ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, यानी भारत का बहादुर दिल। तो भैया इसके जो कि हैं लेखक विक्रम संपत जी हैं। तो सच में बहादुर जो भारत का दिल हुआ करता था, बहादुर किस बेस पर हुआ करता था भैया, संपत मतलब यार संपत, इतना धन दौलत हुआ करता था पैसे के, इसलिए तो सोने की चिड़िया बोलते थे, इतना ज़्यादा संपत हुआ करता था, संपत फॉर संपत्ति। ओके तो इसलिए दोस्तों भारत को चिड़िया बोलता है, सोने की चिड़िया बोलता था। लेकिन भाई वहीं अंग्रेज वगैरह साले आए सब, ये सब लूट कर ले गए तो बहुत ही दिक्कत गई है ठीक है भारत को, इसलिए दोस्तों ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, तो विक्रम संपत ये शब्द फिट बैठता है भारत के लिए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा संपत्ति थी और आज भी है। लेकिन यहाँ के ऐसे ऐसे लोग हैं कि यहाँ एक भारत को छोड़कर कहीं अन्य अन्य देशों के स्विच अकाउंट दुनिया भर के इधर उधर सेव कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और अपने भारत को छोड़कर यहाँ का पैसे इधर, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं ठीक है। लेकिन आज भी भारत ठीक ठाक है। ओके तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा ब्रेव हार्ट ऑफ भारत। ओके सिंपल है विक्रम संवत, और अपने भारत में यार इसलिए भी कहा जाता था कि भारत बहादुर दिल, कि यार विक्रमादित्य राजा और शिवाजी ऐसे तमाम महाराजा हुए जो कि राणा प्रताप ऐसे कुछ, कि इनके कारण भी हमारा भारत का दिल बहादुर था ठीक है, ऐसे राजाओं कारण। ओके सिंपल बिल्कुल। तो ओके आगे दोस्तों बात करते हैं जादूनामा लाइफ ऑफ जावेद अख्तर, जो कि जादूनामा पुस्तक है लाइफ ऑफ जावेद अख्तर की है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी समझ सकते हैं ठीक है। तो दोस्तों इसके लेखक जो कि हैं अरविंद मंडलोई हैं, याद रखेंगे इसे, देखिए यहाँ शब्द पकड़ेंगे आप, जादूनामा बोले तो जादूनामा, ओके जादू बोले तो मंडलोई से आप कनेक्ट करेंगे मंत्र, जादू में क्या होता है मंत्र होता है, मंत्र तंत्र ठीक है, मंडलोई मंत्र का सेंस दे रहा कि मंत्र फॉर मंडलोई। ओके तो इस तरह दोस्तों आपको याद आ जाएगा सिंपल कि जादूनामा जादू बोले तो मंत्र, ओके मंडलोई मंत्र मंडलोई, ओके सिंपल याद करना ना। तो आशा करते दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे ठीक है। इसका पॉजिटिव या फिर निगेटिव जो भी आपके माइंड में लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ये है, देखिए दोस्तों कि वर्ष 2023 की विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया, तो आपके ऑप्शन ये रहे दिल्ली न्यूयॉर्क आगरा दुबई, इसमें से आपका जो भी सही आंसर लग रहा हो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और
क्लास के बारे में भी बताइएगा, आपको ये क्लास कैसे लगी, सच में आपको याद हो पाया या नहीं। ओके, तो दोस्तों इस तरह क्लास आपको मिलती रहेंगी, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह मैं समय निकाल कर आपको क्लास देता रहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं मैं इस समय बाहर हूँ और भाई बाहर से ही या कंटिन्यू कर रहा हूँ ड्यूटी के बाद। ओके, तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास पे, और रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा और इसका राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसको PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो भाई कमेंट बताइएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा। ओके, ठीक है जी, मिलते दोस्तों, बाय, थैंक यू।